तो यहाँ पे बात करेंगे ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के बारे में। 26 रुपये के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों में तकरीबन 1.5% की तेज़ी है, 1 मंथ में 3.5% के रिटर्न, 6 मंथ में 65% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 1 साल में 232% के रिटर्न है। और मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। तो स्टॉक ने जो हाई बनाया था तकरीबन तकरीबन 300 के आसपास बनाया था, 2008 के बाद स्टॉक में गिरावट हुई और उसके बाद स्टॉक आज तक सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम फंडामेंटल देखते हैं तो वापस से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 2207 करोड़ की मार्केट कैप है, 6 रुपये का लो बनाया था और हाई बनाया 34 रुपये के अराउंड। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि यहाँ पर इतना छोटा स्टॉक होने के बावजूद स्टॉक में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है और लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड भी हैं। बट आपको फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आगे चल के अगर आप यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो शायद आप फंस सकते हैं। जैसे कि कर्ज़ा कंपनी के बट 1860 करोड़ के अराउंड है, प्रमोटर होल्डिंग 0 है, तो कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं हो सकता और ना ही कोई प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस आए हैं। सेल्स की बात की जाए तो वो 533% इंक्रीज़ हुई है, प्रॉफिट 175% इंक्रीज़ हुआ है। 3 सालों की सेल्स देखी जाए तो वो 140% इंक्रीज़ हुई है। रिजर्व में कंपनी के पास पैसे नहीं है, DI ने 4% की होल्डिंग बना के रखी है और FIs ने 0.32% की। स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट चला हुआ है। अभी स्टॉक जो है बार बार 250 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके अप ट्रेंड शो कर रहा है। अभी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी की जो सेल्स हुई हैं वो 55 करोड़ के अराउंड है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अच्छी हैं, क्योंकि पिछले साल यही 43 करोड़ की सेल्स थी जो कि अब 55 करोड़ की हो चुकी हैं। देन कंपनी के एक्सपेंस भी उसी हिसाब से हुए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी अब प्रॉफिट में आ चुकी है 1 करोड़ के, जो कि पिछले साल कंपनी 5.5 करोड़ के लॉस में थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगेन कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है, जो कि अच्छा साइन है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो 20 करोड़ के अराउंड है, पिछले साल यही लॉस में था, उससे पहले भी लॉस में थी। तो कंपनी तकरीबन पिछले 10 सालों से लॉस में चली हुई थी और फाइनली जाके कंपनी वापस से प्रॉफिट में आई है। तो लोग भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पहले 0.12% थी जो कि अब बढ़कर 0.32% हो चुकी है। DI ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और अगर किसी की होल्डिंग कम हुई है तो वो है पब्लिक। वॉल्यूम भी अच्छा है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में चली हुई है, लेकिन कंपनी जिस हिसाब से फॉल हुई थी, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, तो बड़ा पैसा तो बिल्कुल भी मत लगाएं, लेकिन हल्का फुल्का पैसा डेफिनेटली लगा सकते हैं, अच्छे रिटर्न स्टॉक निकाल के देगा। और अगर आप चाहते हैं कि इनके अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।